अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटर चैनल में आपको शामिल कर रहा हूँ। मैं हूँ आपका मेंटर जवाहर मीनाज। आज हम लोग ऐसे टूल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं जो हम कोई भी चीज़ बनाएं, फर्ज करें हम कोई ऑब्जेक्ट बना लें, इसके राइट क्लिक जब आप करेंगे माउस का तो जो हमारे पास आते हैं टूल्स, उन टूल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। अंडू लिप्स का मतलब ये होगा, ये जो हमने लिप्स बनाया है इसको अंडू का मतलब कि वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वही चीज़ कंट्रोल सी से भी हम करते हैं। कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल सी दोबारा करूँगा, फिर लिप्स लेके आऊँगा। आइसोलेट पाथ इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये भी, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें जो आपके लिए चीज़ फ़ायदेमंद है जो होगी वो है, फर्ज करें कि एक इमेज मैंने लेनी है, ओके ये मैंने इमेज ले ली, इसको बैक से बैक पे किया, जितनी इमेज मैं चाहता हूँ इस एलिप्स में आए उतना उसके ऊपर रखा मैंने, दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैंने इसको मेक क्लिप मास्क कर दिया। क्लिप मास्क करने का ये फायदा होगा कि वो सब फुल इमेज मेरी इसमें आ जाएगी। तो अगर मैं इसको आइसोलेट क्लिप मास्क करूँगा तो ये आइसोलेट हो जाएगी। आइसोलेट क्या हुई है कि वो अंदर वाली मेन्यू में चलेगी, हम अंदर वाली इमेज अगर मूव करना चाहें तो वो कर सकते हैं, फिर बैक करेंगे इधर से तो ये हमारे पास आइसोलेट क्लिप मास्क हो जाएगा, ओके। अगर आप रिलीज करना चाह रहे हैं इमेज को अपने उस क्लिप मास से तो आपके पास ये ऑप्शन है, मैंने ये रिलीज कर दिया, ये हमारे पास फिर दोबारा आ गया हमारा एलिप्स, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ वो है हमारे पास ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म डिफरेंट तरीके से होता है, मूव आपने क्या करना है, रोटेट करना है, रिफ्लेक्ट करना है। रोटेट में क्या होगा कि आप कितना इस चीज़ को रोटेट करना चाह रहे हो, इसके इतना रोटेट किया, प्रीव्यू पे क्लिक किया, रखा के कितना ये रोटेट हो रहा है, ओके उस हिसाब से रोटेट कर दिया, ओके करेंगे तो वो सेव हो जाएगी चीज़। स्केल कितना देना जा रहे हो किसी चीज़ को, अगर यूनिफॉर्म वर्टिकल कितना देना है, हॉरिजॉन्टल कितना देना है, फर्स्ट करो इसको मैं 10 कर देता हूँ, 110 कर देता हूँ, इसको मैं ओके करूँगा तो ये देखें और इसने जो है ना बड़ा कर दिया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम लोग जो है इसे रिफ्लेक्ट करना चाहें। रिफ्लेक्ट क्या चीज़ होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट करें मैं इसे रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ, इसको मैं जिस डोन से एंगल पर रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के लिए भी ये चीज़ यूज हो सकती है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे टाइपोग्राफी, फर्स्ट करें ये चीज़ मैंने टाइप कर दी। टाइपोग्राफी में जो हमारे पास आ रही होती है ऑप्शन अंडू में इसके ख़त्म हो जाएगा, फ्रंट वगैरह वो इस वजह से आता है कि आपने दो तीन चीज़ें हैं आपके पास, इसके ये मैंने रख लिया, ये इस इमेज के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रंट करूँगा तो ये ऑलरेडी फ्रंट पे है, अगर मैं इसको ऑप्शन में जाऊँगा इसको सेंड टू बैक करूँगा तो ये इमेज के बैक साइड पे चला जाएगा, अगर इसको राइट क्लिक करके अरेंज पे जाके फ्रंट करूँगा तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। और अगर आप इस इमेज को वेक्टर बनाना चाहते हैं, मीन्स के इसको टेक्स्ट से ख़त्म करना चाहते हैं, ये तो मोस्टली हम लोग, अगर हम लोग को आर्टवर्क फाइनलाइज हो जाता है तब जो है ना हम इसको चीज़ को अप्लाई करते हैं, हम इसको क्रिएट आउटलाइन कर देते हैं। क्रिएट आउटलाइन का फ़ायदा ये होगा कि वेक्टर में बन जाएगा और ये चीज़ें आपको शो होने शुरू हो जाएंगी। अभी ये ग्रुप में है, इसको अनग्रुप पहले करूँगा और डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू इसको मैं सिलेक्ट करके इसको मूवमेंट शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा, कोई भी मूवमेंट मैं करवा सकता हूँ किसी भी चीज़ को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके, दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस क्लोज हो जाते हैं, ओके शिफ्ट प्रेस किया
जो चीज़ आप जैसे भी चीज़ को अरेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। कंट्रोल जी किया, फिर दोबारा इसे टेक्स्ट की फॉर्म में ले आए हो। इसका साइज बड़ा करना है टेक्स्ट का, तो इधर से भी हो सकता है, ऊपर भी आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी कि साइज को बड़ा करना और छोटा। नेक्स्ट टू द ऑब्जेक्ट मीन्स के ये सब जो है सिंपल जो टूल्स हैं वो इस तरह यूटिलाइज इनको किया जा सकता है। ये चीजें आपकी अप डाउन वाली रिफ्लेक्ट वाली, ये देखें रिफ्लेक्ट हो गया, ये इमेज पे भी चलेंगी और हर चीज पे चलेंगी। ओके अगर आपके पास दो तीन चीजें हैं, अगर आप इन तीनों सबको कंबाइन में करना चाहते हो तो कंट्रोल जी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, इसको ग्रुप कर ले। ग्रुप जब आप करेंगे तो फिर आपके पास ये देखें ये ऑलरेडी ग्रुप हो गया है। अगर आपने इसको अनग्रुप करना है कंट्रोल यू करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा, कंट्रोल यू और ये ऑप्शन आपके पास आ रही होगी, ये अनग्रुप हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट टिप के साथ। जवाब दीना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।